एग्जाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 33 में मैं एमएस सक्त आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द आर्टिस्ट। इट्स हिंदी इज कलाकार, रिटन बाय सीगा नोया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक वीडियोस में मैं आप लोगों को 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देता हूं, तो सेम एज इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, सेबे लिव्ड इन अ डैश टाउन। तो सेबे रहता था इन अ डैश टाउन। डैश टाउन में कैसा टाउन में? हार्बर, बिग, स्मॉल या मेट्रोपॉलिटन? डियर स्टूडेंट्स, जब आप चैप्टर को रीड करोगे तो आप पाओगे कि चैप्टर में लिखा हुआ है कि सेबे लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबे जो है एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर का अर्थ होता है बंदरगाह, या हम लोग इसको दूसरे शब्दों में पोर्ट बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर सिप, मतलब पानी जहाज, मतलब समुद्र का ऐसा किनारा जहां पर पानी जहाज रुकता है, वैसे ही क्षेत्र को, वैसा किनारा को हम लोग जनरली आई थिंक पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो याद रखेंगे, सेबे लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, तो हमारा आंसर होगा ए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेबे वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रीड द चैप्टर यू गेट दैट उसमें लिखा हुआ है कि सेबे वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो चलिए, यहां पर आपका आंसर होगा डी, सेबे वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेबे वॉज द स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल। तो किस स्कूल के स्टूडेंट थे सेबे? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेबे वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सेबे का उम्र 12 वर्ष हो गया था, तब भी वह प्राइमरी स्कूल में ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। ही वॉज टोटली इंटरेस्टेड इन गार्ड। उसको गार्ड से बहुत ज्यादा रुचि था। गार्ड का अर्थ होता है लौकी। वो पूरे दिन लौकी के तलाश में रहता था, गार्ड के तलाश में रहता था, और गार्ड को लाकर उसके ऊपरी सिरे को काट देता था और अंदर में जितना भी मटेरियल होता था वो सभी को निकाल देता था। निकालने के बाद उसमें टी लीव्स, चाय पत्ती डालता था, और डालने के बाद ताकि उसका गंध निकल जाए। उसके बाद धूप में उसको सूखने देता था। जब वो पूरी तरह से सूख जाता था तो उसके बाद सेबे उसको पॉलिश करता था। यह उसका हॉबी था, पूरे दिन वो यही करता रहता था। तो चलिए, क्वेश्चन है, सेबे वॉज द स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा प्राइमरी, सेबे वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबे यूज टू लाइक डैश गार्ड। सेबे पसंद किया करता था डैश गार्ड। तो सेबे किस प्रकार के गार्ड को पसंद करता था? क्या वो जब मार्केट जाता था, क्या वो जब गार्ड की तलाश में निकलता था, तो किसी भी प्रकार का गार्ड को लेकर आ जाता था? बिल्कुल नहीं। सेबे हमेशा सुडोल प्रकार का गार्ड को ढूंढता था। सेमेट्रिकल होनी चाहिए, सुडोल होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, सेबे यूज टू लाइक सेमेट्रिकल गार्ड। आपका आंसर होगा ए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सेबेस फादर वर्कड एट डैश। आप कहानी को जब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कहानी में सीगा नोया ने लिखा है कि सेबे के पिताजी कारपेंटर शॉप में काम करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा कारपेंटर शॉप। सेबेस फादर वर्कड एट कारपेंटर शॉप, बढ़े के दुकान में काम करते थे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, द एथिक्स टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबे टू हिज डैश। द एथिक्स टीचर, नैतिक शास्त्र के जो शिक्षक थे, मेड कंप्लेन, शिकायत किया अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? सेबे के खिलाफ। तो एथिक मतलब नैतिक शास्त्र के जो शिक्षक थे, उन्होंने सेबे के खिलाफ किससे कंप्लेन किया था? तो ऑफ कोर्स आंसर होगा मदर। एक्चुअली जब सेबे क्लास में डेस्क के नीचे गार्ड को पेंट करते हुए पकड़ा गया क्लास टाइम में, तो एथिक्स टीचर उस पर चिल्लाया, यू आर एन इडियट। बहुत ज्यादा भला बुरा उसे कहा। उसके बाद फिर उसका गार्ड को छीन लिया। गार्ड को छीन लेने के बाद उसे पॉटर को दे दिया। इतना ही नहीं,
जब सेबे अपने घर पहुंचा तो देखा कि तुरंत बाद एथिक्स टीचर, नैतिक शास्त्र के शिक्षक भी वहां पहुंच गए। उस वक्त सेबे के पिताजी घर में नहीं थे, एक्चुअली वह कारपेंटर शॉप में काम करते थे, उसकी माँ घर पर थी। माँ के पास जाकर और एथिक्स टीचर, नैतिक शास्त्र के शिक्षक उसे भला बुरा कहा, उसकी माँ रोने लगी। तो याद रहे, नैतिक शास्त्र के जो शिक्षक थे उन्होंने सेबे के खिलाफ उसके मां से कंप्लेन किया था, क्योंकि उस वक्त पिताजी घर पर नहीं थे। तो चलिए, आपका आंसर होगा मदर। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, द एथिक्स टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबे टू हिज मदर। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। It takes dash to walk from one side of the city to other side. कहने का मतलब यह है, सेबे जिस शहर में रहता था, हार्बर टाउन में रहता था, उस टाउन का एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता था, तो देखते हैं। It takes, तो हमारा ऑप्शन है 2 days, ऑप्शन यहां पर इनकम्प्लीट है, 20 minutes, ऑप्शन सी 10 days, ऑप्शन डी 30 minutes। तो डियर स्टूडेंट, इट टेक्स डैश टू वॉक फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिटी टू अदर साइड, शहर के इस छोर से उस छोर तक जाने में कितना समय लगता था। तो चैप्टर को आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 मिनट्स की बात हुई है। तो इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिटी टू अदर। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सेबेस हॉबी वॉज कलेक्टिंग डैश। सेबे का हॉबी का अर्थ होता है शौक। तो सेबेस हॉबी, सेबे का शौक वॉज था कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। तो सेबे का शौक क्या था, इकट्ठा करना। आखिर सेबे क्या इकट्ठा करना, क्या जमा करना अपना हॉबी रखा था, उसका शौक था। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेबेस हॉबी वॉज कलेक्टिंग गार्ड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे गार्ड, गार्ड का हिंदी मीनिंग होता है लौकी, हम लोग लौकी बोल सकते हैं। बट अगर जापान की बात की जाए तो जापान में गार्ड एक प्रकार का फल है, एक प्रकार का फ्रूट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु शाउटेड, कौन चिल्लाया, यू आर एन इडियट। मैं आप लोगों को बता दूं, सेबे जब क्लास में डेस्क के नीचे गार्ड को पॉलिश कर रहा था, तो एथिक्स टीचर ने जैसे ही उसे देखा तो देखने के तुरंत बाद उन्होंने चिल्लाया, यू आर एन इडियट। तो यू आर एन इडियट, ये एथिक्स टीचर ने चिल्लाया था, इसलिए आपका आंसर होगा एथिक्स टीचर। ऑप्शन ए है फादर, ऑप्शन बी है मदर, ऑप्शन सी है अंकल, ऑप्शन डी हम यहां लिखेंगे एथिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा एथिक्स टीचर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गार्ड इज अ डैश, गार्ड एक डैश है। अभी तुरंत मैंने बताया आप लोगों को कि जापान में गार्ड जो है वो एक प्रकार का फ्रूट का नाम है, इसलिए आपका आंसर होगा सी, गार्ड इज अ फ्रूट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।